Hello and assalamu alaikum everyone. I am Ramsha, your botany teacher. Today we are going to start with the very first chapter of botany, that is chapter 4, cell. Now you would be wondering ke cell to hum kab se padhte hue aa rahe hain class 2 3 se, ye cell kabhi hamara peecha chhodega? So the answer is never. Jab tak hum bio padhte rahenge, cell is never going to leave us. Theek hai, to wajah kya hai ki hum cell bar bar padhte hue aa rahe hain मगर अभी still we need to study this. तो वजह यह है कि cell is the very very basic topic of biology. Cell के बगैर biology can not exist. क्यों? क्योंकि cell की definition, as you have read many times, cell is the building block of life. Building block of life से क्या मतलब है कि वॉल को बनाने के लिए जैसे जैसे ब्लॉक्स की जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल की जरूरत होती है. सो यू वुड बी इमेजिनिंग हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. दूसरी डेफिनेशन जो कि हम सबको पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रटाफाई कर लेना इज वेरी सिंपल, लेकिन हमें इससे मतलब क्या है कभी समझा है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि सेल के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं, वो तमाम काम कर सकता है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है. जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है, सही है? सेल रेस्पिरेशन करता है, ऑब्वियसली करता है. सेल के पास ब्रेन है, ऑब्वियसली है. क्या सेल मूव कर सकता है? यस, सेल मूव कर सकता है. जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे हमें अंदाजा होगा कि सेल इतना छोटा सा होते हुए, मतलब हम तो सेल को देख भी नहीं सकते, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि विदाउट सेल लाइफ कांट एग्जिस्ट. लाइफ ऑल डिपेंड्स अपॉन सेल, सही है? अब बात करते हैं कि सेल, पता कैसे चला कि सेल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है? ये हमें किस साइंटिस्ट ने बताया? ये बताया हमें सेल थ्योरी पेश करके किसने? शेल्डन और शिवॉन ने. शेल्डन और शिवॉन ने शुरू में सेल थ्योरी दी. सेल थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्दर क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में. शुरू में उन्होंने सेल थ्योरी के थ्री पोस्टुलेट्स दिए थे. नंबर वन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है. नंबर टू, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली. सही. इन्होंने पर एक गड़बड़ कर दी. शेल्डन और शिवॉन ने शुरू में जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने कहा कि सेल इज अ डीनोवो स्ट्रक्चर. डीनोवो का क्या मतलब है? डीनोवो का ये मतलब है कि सेल की जो एग्जिस्टेंस है वो अपने आप हो जाती है किसी नॉन लिविंग थिंग से. यहां पे ये गलत थे. इनको सही किया एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चू. सही, उसने क्या कहा? उसने कहा कि सेल इज नॉट अ डीनोवो स्ट्रक्चर. उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए जरूरी है कि कोई और पेरेंट सेल हो, कोई और लिविंग सेल हो जिससे वो बनेगा. वो अपने आप किसी नॉन लिविंग थिंग से जनरेट नहीं हो सकता. सही. तो ये आर वर्चू ने जो अपना थर्ड पॉइंट दिया उससे हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई. दैट इज सेल इज नॉट डीनोवो. सही, दिस कंप्लीट्स आवर सेल थ्योरी. नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.